चक्रा एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से मुनक्किद किए गए हौसला इनामी तकरीब के सदर साहब, इकरा के तमाम अहदेदारान, परवीन शेट्टी जी, हमारे साथी डॉक्टर कासिम इमाम साहब, कप्तान मलिक जी, मेरा सिद्दीकी साहब, एडवोकेट कुरैशी जी, डॉक्टर याकूब साहब, मुबीन भाई और तमाम डायस पे बैठे हुए जिम्मेदारान और इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बच्चों और मेरी बहनों, 1993 से इकरा की जानिब से डॉक्टर जिक्रुल्ला साहब, कौनिन भाई और बहुत सारे ऐसे दानिशवर जो कुरैश नगर में रहते थे, उन्होंने एक शुरुआत की कि कुरैश नगर में तालीमी मैदान में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कोशिश की जाए और उनके साथ बहुत सारे लोग रहे होंगे, रहते थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फारिग थे कौनिन भाई और देशमुख साहब के साथ मिलकर एक जज्बे के साथ जिन्होंने ये प्रोग्राम की शुरुआत की थी, उनका एक ताजियती जलसा रखा गया और उसमें तय किया गया कि 3 साल से प्रोग्राम कत हो गया है, एक अच्छी शुरुआत जो की गई थी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस सिलसिले को दोबारा कायम किया जाए, नई पीढ़ी जो नई नस्ल है, नौजवान है, उनको आगे बढ़ाकर उन पर जिम्मेदारी देकर हम लोग पीछे बैठकर वो किस तरह से काम कर रहे हैं देखने की हम कोशिश करें। मुझे लगता है शुरुआत हुई है, 1-2 साल में नए लोगों को इसमें शामिल किया जाए और नए बच्चों पर जिम्मेदारी दी जाए। हम लोगों ने सबने मिलकर 30 साल अगर ये प्रोग्राम चलाया तो कुछ ऐसे लोगों को जिम्मेदारी बांटी जाए कि आने वाले 30 साल की कम से कम वो लोग जिम्मेदारी ले और सिलसिला आगे अच्छी तरह से चले। मकसद देखिए कि तालीम से आरास्ता करना, लेकिन तालीम से आरास्ता होते हुए भी सबसे बड़ी एक परेशानी हम लोग देखते हैं कि लोग तालीम याफ्ता तो हो रहे हैं, लेकिन तालीम याफ्ता होने के बाद जो जिम्मेदारी लोगों पर है वो जिम्मेदारी से भाग भी रहे हैं। कोई तालीम याफ्ता हो गया, मकसद उसके पीछे होगा कि मेरी जिंदगी में बदलाव आ जाए, मैं खाने कमाने लायक बन जाऊं। मैं अपनी तकरीरों में बार बार ये कहता रहा हूं कि हम लोग जब तालीम से लोगों को आरास्ता करते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है। हर माँ, हर वालदैन ये चाहते हैं कि बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि वो खाने कमाने वाला बन जाए। लेकिन खाना कमाने वाला बनने के बाद जो रिज्क है वो अल्लाह ताला देता है हर इंसान को, हर जानदार को, जीने के लिए वो कोई ना कोई सहारा देता है। और आप कितने भी अच्छी तरह रहने लगो, खुद खाने पीने लगो, अगर आपने अपने घर वालों का, मोहल्ले वालों का, पड़ोसियों का, अपनी कौम की तरफ से अपना रुझान हटा लिया तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी तालीम से कोई फायदा हुआ है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तालीम याफ्ता हों, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें मदद की है, चाहे वो हमारे वालदैन हो, अपने भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो, मोहल्ले के लोग हों, स्कूल के लोग हों, कौम के लोग हों, अगर हम कुछ लायक बनते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी भी जिम्मेदारी संभालने का काम हम लोगों को करना चाहिए। मुझे क्या मिला है लेकिन उसका मैंने क्या दिया, ये जिम्मेदारी का एहसास जब तक हम लोगों को नहीं होगा, कितना भी बड़ा कोई आदमी बन जाए, कितना भी तरक्की कर ले, अगर उसने अपनी तरक्की के पीछे जिन लोगों का हाथ है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो मुझे लगता है उस कामयाबी का कोई मकसद नहीं है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे वालदैन परेशान हाल घूमते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, खाने कमाने लायक हो गए, वालदैन की तरफ देखते नहीं। तो ऐसी तालीम से हम लोगों को लगता है कि हम तालीम याफ्ता तो बना रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसमें
मोरालिटी भी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी किरदार साजी भी होना चाहिए, और जब तक किरदार साजी नहीं होगी तालीम हासिल करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहता, यहाँ पर बच्चे हैं हमारे, 1996 में पहली बार कुरैश नगर की वजह से मैं MLA बना, जब तक मैं रहा लगातार लोगों ने मेरा साथ दिया, हम लोगों से जितनी कोशिश हो सकी हम लोगों ने कुरैश नगर और इस कुरला के लिए कोशिशें की, लेकिन जहाँ भी आज जिस मकाम पे हम लोग पहुँचे हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ा अगर किसी का उसमें कंट्रीब्यूशन है, हिस्सेदारी है, तो कुरैश नगर की है, और बिना कुरैश नगर के नवाब मलिक का इतना बड़ा ओहदा या कद नहीं हो सकता था। इसलिए हम लोग कहीं भी चले जाए, कहीं भी रहें, कितनी भी ताकत बढ़ जाए, कितने भी तरक्की कर ले, लेकिन कुरैश नगर के लोगों ने जो प्यार दिया, मोहब्बत दी, जो तरक्की के राह में एक हम लोगों के साथ खड़े रहे, तो उसका हम लोग एहसान कभी नहीं चुका सकते। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इकरा अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करे, अच्छे से अच्छे लोगों में काम करने की कोशिश करे, हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इकरा के लोगों से और जो दानिश्वर यहाँ पर बैठे हैं उनको कुछ मशवरे देना चाहता हूँ कि मुंबई शहर की आबादी 1.5 करोड़ की है, और मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के जो बेसिक एजुकेशन है उसको वो देने का काम करें। हम लोगों को लगता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल है, ये महानगर पालिका के स्कूल है, लेकिन जो ग्रांट वाले जितनी भी स्कूलें हैं, वहाँ भी जो टीचर है, जो भी वो खर्च है, इखराजात है, वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तिजोरी से उन तमाम लोगों के तनख्वाह और इखराजात जाते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि लोगों की सेहत का ख्याल रखने का काम करें, और आप लोगों को जानकारी के लिए बताता हूं कि मुंबई शहर में एजुकेशन का बजट 3,500 करोड़ रुपए है, सेहत का बजट 3,500 करोड़ रुपए है, 10,000 करोड़ रुपए मुंबई शहर के लोगों के तालीम और इलाज के लिए पैसा खर्च किया जाता है। सरकारी अस्पताल हो, म्यूनिसिपैलिटी के सरकारी स्कूल हो जो म्यूनिसिपल चलाती है, अगर उस पर 8,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, तो मुझे लगता है उन तमाम अस्पतालों में, स्कूलों में अगर आप जाकर देखेंगे, म्यूनिसिपल स्कूल के जो तालिब इल्म है उसके अंदर तादाद देखोगे तो सबसे ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, उसके बाद मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम है। हमारी आबादी मुंबई शहर के अंदर, हमारी कौम की अपनी आबादी इस मुंबई शहर में 20-22% लगती है, हो सकता है फ्लोटिंग पॉपुलेशन लेके 25% हो, लेकिन सरकारी म्यूनिसिपल स्कूलों में हमारे बच्चों की तादाद आधे से ज़्यादा है। हम पूरे मुंबई शहर के सरकारी अस्पताल देखेंगे, इलाज करने वाले लोग गरीब आते हैं, और गरीब जब इलाज करने जाता है तो हम लोग अस्पतालों की लाइन में देखते हैं तो हमारी बहनें नजर आने लगती हैं कि हमारी बहनें कितनी इसमें खड़ी हैं। अस्पताल के बिस्तर पर जाकर देखें तो अपने लोग कितने वहां पर हैं। ये नहीं कि हमारे लोग वहां शौक से जाते हैं, ये इसलिए जाते हैं कि हमारे लोग गरीब हैं, इसलिए वो म्यूनिसिपल स्कूलों में पढ़ते हैं और म्यूनिसिपल अस्पतालों में जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब 10,000 करोड़ रुपया इस शहर के अंदर खर्च हो रहा है, आधे लोग हमारे उससे फैजयाब हो रहे हैं, तो 10,000 करोड़ का हिसाब कैसे लिया जाएगा और 10,000 करोड़ रुपये कैसे खर्च हो रहे हैं कि नहीं, एक वॉच डॉग की तरह उस पर नजर रखने की अगर हमने जिम्मेदारी ले ली तो हमें लगता है बहुत सारे हमारे हालात बदल सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हैं, मिसाल है सईदा, डॉक्टर सईदा खान हमारी बहन डॉक्टर है, म्यूनिसिपल काउंसलर बनी, पिछले 8 सालों से एजुकेशन और हेल्थ कमेटी पर जानबूझकर उसे रखा गया है। मुंबई शहर के अस्पतालों के कुछ हालत बदल रहे हैं, बाबा अस्पताल की हालत बदलते हुए आपने देखा, उसके वार्ड में अपने जो स्कूल है उनके हालात को बदलते हम लोगों ने देखा, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये जिम्मेदारी लें कि गरीबी की वजह से अगर हमारे लोग सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो उसका दर्जा कैसे सुधरे। खर्च तो ज़्यादा होता है, एक बच्चा को, मेरी अपनी स्कूल जो मैंने बनाई, सालाना उसका खर्च 30,000 है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक बच्चे के ऊपर 80,000 रुपये सालाना खर्च कर रहा है। 30,000 में अच्छा बच्चा पढ़ सकता है तो 80,000 रुपये में क्यों साल भर में अच्छा बच्चा नहीं पढ़ सकता। अगर इस तरह ध्यान देने का काम करेंगे तो मुझे लगता है इससे बड़ी खिदमत कोई हो नहीं सकती, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस तरफ ध्यान देने का काम करने का काम करना पड़ेगा। आज यहाँ पर मेराज भाई है, डॉक्टर साहब हैं, देशमुख साहब हैं,
कुरैश नगर की म्यूनसिपल स्कूल की बिल्डिंग है। मुझे लगता है कि इकरा के लोगों को आगे आना चाहिए, जिम्मेदारी लेके इमारत अच्छे से अच्छे कैसे हो जाए उसकी तरफ ध्यान दें। उसमें टीचर कितनी है, क्लासरूम के क्या हालात है, पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर हमें लगता है कि ढंग से अगर हम लोग करने लगे तो मुझे लगता है कि कुरैश नगर की म्यूनसिपल स्कूल को भी ठीक करने की जिम्मेदारी हम लोगों को लेना पड़ेगा, और जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से परेशानियाँ हैं उसकी जिम्मेदारी लेके हम लोग ठीक करेंगे। वहाँ पे हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि जो बच्चा कुरैश नगर से जाकर अल बरकात में पढ़ता है या कुरैश नगर से जाकर आवर लेडी ऑफ गुड काउंसिल में पढ़ता है वही बच्चा तरक्की करेगा। जो बच्चा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कुरैश नगर के स्कूल में पढ़ता है, हम जब 10 साल के बाद देखें तो टॉपर मुंबई कुरैश नगर में करने वाला उस स्कूल का बच्चा हो, ये भी कोशिश करने की जिम्मेदारी हम लोगों को लेने की काम करना पड़ेगा। लोग दूध में से तो मलाई निकाल सकते हैं, लेकिन छाछ में से मलाई निकालने की कोशिश अगर की जाए तो मुझे लगता है हालात बदले जा सकते हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हालात बदलने के लिए 10,000 करोड़ रुपए में अगर 5,000 करोड़ रुपए हमारे हिस्से में हमारे लोग उससे फैजयाब होते होंगे तो पूरी कौम मिलकर 5,000 करोड़ रुपए का चंदा साल में जमा नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है जो हमारे हक का पैसा है कहीं ना कहीं उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। या वो टीचर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ग्रीन मुंबई में कोई टीचर परमानेंट नहीं होगा तो 10,000 रुपये में टीचर पढ़ाती होगी, लेकिन अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक टीचर 50-60 हज़ार रुपया तनख्वाह ले और बच्चों को ना पढ़ाए, ऐसा नहीं कि वो ना अहल है, वो कम से कम बीएड और अच्छे नंबर से पास हुए इसलिए वहाँ पर टीचर है, लेकिन उनको लगता है कि हम पर देखने वाला है इसलिए हालात ठीक नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम के लोग कम से कम कुरैश नगर के म्यूनसिपल स्कूल को उसका दर्जा कैसे सुधरेगा अगर पूरी जिम्मेदारी लेंगे तो हमें लगता है एक बदलाव की शुरुआत वो भी होगी, हम उसकी भी लेंगे। आगे हुआ तो नेहरू नगर की लेंगे, सीसीटी के स्कूल की लेंगे, माचिस फैक्ट्री के स्कूल की लेंगे, और हमें लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नई जगह ले लो, इमारत खड़ी करो, सैकड़ों करोड़ रुपये हम लोग ला तो नहीं सकते, लेकिन जो हमारा हक जहाँ पर है, जहाँ पर हमारे हिस्से का पैसा खर्च हो रहा है उसमें अगर टीचर कोताही करेगा तो उसे भी ठीक करने का काम करेंगे, अफसरान उसमें अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे तो उसको भी ठीक करने का काम करेंगे। अगर ये जिम्मेदारी हम लोगों ने उठाने का काम किया तो हमें लगता है कि आने वाले 2-5 साल में जो गरीब तबका हमारे बीच का है उसके अंदर भी एक बदलाव, जो एक कोशिश हमारी है, एक हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग तालीम याफ्ता बने, तो गरीब बच्चे जो जा रहे हैं वो तो तालीम याफ्ता बनेंगे, उसमें से भी अच्छे से अच्छे लोग, अच्छे बच्चे पैदा हों इसकी कोशिश करने का काम करेंगे। जो बच्चे यहाँ पर आए हम लोग आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि आप लोग अच्छे नंबरों से कामयाब हो रहे हैं, इसलिए आज इस इनामी तकरीब में आपको बुलाया गया, लेकिन अच्छे नंबर आज आ गए तो ये नहीं कि मैं बहुत होशियार हो गया। दुनिया में दो ही चीज़ के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि हर इंसान की एक कमजोरी होती है, हर इंसान को लगता है कि मैं सबसे अक्लमंद हूँ, और हर इंसान को लगता है कि अगला आदमी मुझसे ज़्यादा दौलतमंद है। तो मुझे लगता है कि अगर ये हर इंसान की कमजोरी है तो इनाम मिलने के बाद इस कमजोरी से ज़्यादा आप उसमें मुब्तला नहीं होना कि मैं अक्लमंद हूँ, और मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आप तालीम के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल होगी आपको। ज़्यादा ना बोल के आप तमाम लोगों को फिर से एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इकरा के फंक्शन को फिर से शुरू किया गया इसलिए तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद दे के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।